वेलकम ऑल इन आईसीटी कॉफोरी चैनल। आईसीटी कॉफोरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं कृपेश नायक आपका स्वागत कर रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर हम थर्ड चैप्टर के जो आपके 27 को जो एग्जाम है उनके रिलेटेड अभी तक के चैप्टर 1-3 के, चैप्टर 1 इंडिविजुअली, चैप्टर 2 इंडिविजुअली के 25 मार्क्स के सेक्शन A-E तक के आपने वीडियो देखे, उनके पीडीएफ आपने ले ली होगी। पीडीएफ के अंदर फर्स्ट वीडियो के अंदर फर्स्ट सेकंड और थर्ड का है। सेकंड के अंदर इंडिविजुअल फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड के अंदर आपको सेकंड चैप्टर का, थर्ड का, थर्ड वीडियो के अंदर सेकंड चैप्टर का मिल रहा होगा और आपको इस चैप्टर के, इस वीडियो के अंदर से थर्ड चैप्टर का होगा। एक क्वोट है, आज नहीं मेहनत आवधि का अनुग्रह। जो सख्त मेहनत करो, आप इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि मेहनत भी आपसे बोलेगा बस करो यार, कितनी कर रहे हो आप। तो आज की मेहनत आपका कल का रिजल्ट होगा। अच्छी मेहनत अच्छा रिजल्ट, मेहनत नहीं की रिजल्ट बुरा होगा। तो आज नहीं मेहनत आवती करने परिणाम छे। लोग रिजल्ट देखेंगे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं देखने वाली, आपका रिजल्ट आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है। तो सेकंड चैप्टर के अंदर आपको ध्यान में रखना है, अरे थर्ड चैप्टर के अंदर कौन सी बातें वो ध्यान में रखनी है। स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट लिखो इंग्लिश मीडियम, चैप्टर 3 बोर्ड यूनिट टेस्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड दिस इज सैंपल पेपर। आपको क्या करना है, नोटबुक लेनी है, नोटबुक के अंदर ये जो क्वेश्चन है 1-15 वो 15 क्वेश्चन लिखने हैं, अच्छी तरह से लिखने हैं। सेक्शन ए के लिए एमसीक्यू है, बी के लिए वन लाइनर, सी के लिए ब्रीफली, डी टू दी पॉइंट और ई ऐसे टाइप क्वेश्चन आपको कैसे लिखने हैं वो रिविजन राउंड के अंदर आपको 2-3 बार समझाया है। कैसे प्रेजेंटेशन करना है वो भी 2-3 बार समझाया है। तो वो अगर वीडियो नहीं देखे वो एक बार देखो। अभी 27 नहीं आई, 27 से पहले 2-3 बार देखो। इकोनॉमिक्स को हम आगे नहीं बढ़ा रहे क्योंकि रिवीजन राउंड एक साथ हम कर रहे हैं। ये अभी तक के रिवीजन राउंड के अंदर भी हमने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको दी। उसके बाद जो हमारी टेस्ट हुई फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर की, उसके अंदर भी बहुत सारा हम 20-20 मार्क्स के, 10-10 मार्क्स के लेके 30 एमसीक्यू आपने 3 चैप्टर के किए। उसके बाद 20 मार्क्स की हमने 1-3 चैप्टर की साथ में ली, यानी टोटल 50 मार्क्स के तो आपके एमसीक्यू की मेहनत हुई है। और उसके बाद आपको 100% जो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर के 125 मार्क्स के बॉर्ड टाइप जो भी है वो आपके पेपर आपने लिखे होंगे, फर्स्ट चैप्टर के लिखे होंगे, सेकंड के लिखे होंगे। लिखने के बाद मैंने बोला है 26 तक वो सब कुछ कंप्लीट कर देना है आपको। टेक्स्ट बुक में, सॉरी नोटबुक के अंदर आपको पेपर लिखने हैं। पेपर लिखने के बाद आपको वो पेपर के फोटोग्राफ्स मुझे सेंड करने हैं ताकि मुझे पता चले विच पेरेंट्स साइन। माई नंबर इज 9662532418। यू कैन एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, दोज वर नॉट स्टीलिंग गूगल क्लासरूम प्लीज stay in Google Classroom because there are so many important links are shared in that room. So all those who are not still, go in Play Store and install the Google Classroom app and join the class with my code so that you can easily find out so many links and so many assignment works are there. So many important questions are also there that we have been sent. Second, up. क्वेश्चन आंसर तो आपको लिखने हैं मगर उससे पहले उनका स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। पूरे दिमाग में सेटअप कर लो कि टोटल 25 मार्क्स है, 25 मार्क्स के लिए हमारे पास ए बी सी डी ई सेक्शन होंगे,
टोटल 15 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स होंगे, एक घंटा होगा। 25 मार्क्स के क्वेश्चन को एबीसीडी ई विभाग डिवीजन में डिवाइड किया है, सेक्शन ए के अंदर। एमसीक्यू ईच 1 मार्क्स इक्वल टू 5 मार्क्स, दैट इज 5 क्वेश्चन आर देयर ईच 1 मार्क्स। आंसर इन वन सेंटेंस ईच 1 मार्क्स 5 क्वेश्चन आर देयर, सो 5 प्लस 5 10, ए एंड बी आपके जेब में होंगे। अच्छी तरह से पढ़ोगे तो 10 में से 10 आने के चांसेस रहेंगे। सी और डी, सी और डी में दो दो क्वेश्चन लिखने हैं, मगर सी के 2 मार्क्स होते हैं और डी के 3 मार्क्स होते हैं। और सेक्शन डी के अंदर आपको मिलता है एक ऑप्शन, वो और आपको मिलता है, यानी एक सेक्शन ही ऐसा है, सॉरी 3 सेक्शन ही ऐसे हैं जिनके अंदर आपको कोई ऑप्शन नहीं है। आपको कंपलसरी 5 प्लस 5 प्लस 2 यानी 12 क्वेश्चन तो लिखने ही लिखने हैं आपको, मगर सेक्शन डी से एक एक ऑप्शन आपको मिलता है, 3 में से 2 लिखने हैं आपको। सेकंड सेक्शन ही आंसर इन डिटेल ईच 1 मार्क्स, यहाँ पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, डीप में लिखने हैं, जरा सी भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए आपके हाथ के अंदर। एक घंटे के अंदर 25 मार्क्स को डिवाइड करने के लिए आपको एबीसी में ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, डी और ई के अंदर ज्यादा हमें टाइम चाहिए, तो टू दी पॉइंट लिखना है, डिटेल में लिखना है। तो एबीसी के अंदर ए में भी क्वेश्चन लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्ट आप राइट आंसर के ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो। सेक्शन बी वन लाइनर है, क्वेश्चन मत लिखो, सीधे आंसर लिखो, एक मार्क्स के है, अच्छी तरह से टू दी पॉइंट ही लिखो, ताकि डी और ई के अंदर आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन थोड़े लिखने हैं, टू दी पॉइंट लिखने, उसके अंदर आपको पूरा टाइम मिल जाए। तो अब बात आएगी आपको पेपर कैसे मिलेगा, आप सभी जानते हो कैसे पेपर मिल सकता है। ये एक सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर का एक स्ट्रक्चर है, टेस्ट थर्ड के डिमांड के अंदर आपको इस कलर के अंदर पीडीएफ होगी कमेंट बॉक्स के अंदर। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट बॉक्स में अगर लॉन्च हो रही है सर्वर के ऊपर से तो फॉरन आपको मिल सकती है, अगर नहीं मिल रही तो थोड़ा वक्त चाहिए, थोड़ा उनको टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आप कमेंट बॉक्स के अंदर ब्लू लाइन की जो लिंक होती है वो क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस कलर के अंदर पूरा पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ जाएगा। और आपको क्या करना है, कैसे प्रिपेरेशन करनी है, अभी भी एक मौका है, क्योंकि अभी भी आपके पास पूरा टाइम है, एटलीस्ट यू हैव वीक स्टिल। तो अगर एक वीक के अंदर कंप्लीट करना है तो यहाँ पे जो दिखाई दे रही है एक लाइन, उसके ऊपर क्लिक किया लिखा है। जैसे ही आप पीडीएफ फॉर्मेट के ऊपर आपका क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन के ऊपर देख पाओगे, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन पेपर के अंदर दो बात होगी। सबसे पहले तो 25 मार्क्स के एक आवर्स के स्टैंडर्ड 11 इकोनॉमिक्स के 15 क्वेश्चन नजर आएंगे और साथ में एबीसीडी सेक्शन नजर आएंगे। वो क्वेश्चन तो है ही, मगर क्वेश्चन के साथ आपको अगर कंटेंट जरा सा भी आपका वीक है और उसे स्ट्रांग करना है, तो स्ट्रांग करने के लिए रिविजन राउंड की वीडियो कहाँ से जाएंगे, तो ऊपर ही लिंक मैंने दी है क्वेश्चन पेपर के ऊपर। जी हाँ, क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही क्लिक हियर, जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ रेड सर्कल आपको दिख रहा है, ओएल दिख रहा है, यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे आप सीधे रिवीजन राउंड पे चले जाओगे, ताकि आपके पास अगर 2 घंटे स्पेयर में है तो सबसे पहले डिमांड के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार अपना कंटेंट क्लियर और परफेक्ट कर लो। अगर वो क्लियर और परफेक्ट है, उसके बाद 1 घंटे ऊपर वाले को ध्यान में रख के इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स ये आपके नोटबुक के अंदर लिखना है। लिखने के बाद पेरेंट्स की सिग्नेचर होगी, सिग्नेचर के स्क्रीनशॉट मुझे चाहिए, दिस इज माय होमवर्क। और नीचे कमेंट बॉक्स के जो पिक्चर दिख रहे उसके अंदर आपको कमेंट मेरे पूरे वीडियो को कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगी, यानी पूरे वीडियो 2-3 बार देखना। कमेंट बॉक्स में अगर लिंक आ रही है तो 100% कर देना, अगर नहीं आ रही तो कीप वेट, इट विल टेक टाइम एंड देन यू विल गेट द प्रॉपर लिंक, और उसके बाद आपको 100% ये लिंक से आप शेयर कर सकोगे और अपने जो भी क्वेश्चन आंसर है वो लिख पाओगे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन 3rd चैप्टर तक की हमने कंप्लीट की है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, कीप वॉचिंग एस एडी कॉप फॉर यू। जैसे ही हमारे 3 चैप्टर की ये टेस्ट ओवर होगी, उसके बाद हम 6th चैप्टर जो 1-5 चैप्टर के रिविजन राउंड हमने कम्प्लीट किए हैं, कंटेंट भी कम्प्लीट किया है, तो 6th चैप्टर मार्केट्स के कंटेंट से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो को। तो अभी के लिए इतना ही, आपको जो प्रॉपर गाइडेंस मिला है उसके हिसाब से जाना। थैंक यू फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट।